हेलो बच्चों, एक बार फिर से आ गए हैं हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन वाले सीट का डिस्कशन। आज और आगे बढ़ेगा। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन वाला जो शीट दिया था उसमें हमने काफी डिस्कशन पहले ही 3 लेक्चर्स में कर रखा है। हालांकि दूसरा लेक्चर बड़ा ही छोटा था, लेकिन चलो, एक दो तीन तीन लेक्चर्स में हमने काफी डिस्कशन कर रखा है और चौथे लेक्चर में आज इसको पूरा खत्म कर देंगे। तो पिछले लेक्चर में हमने जहां तक डिस्कशन किया था, सारा सबूत अपने पास जमा है। आज ठीक उसी के आगे जो है डिस्कशन को हम लोग बढ़ा रहे हैं। ये रिएक्शन है कुछ जो हमें कंप्लीट करने हैं। फिनॉल, फिनॉल को अगर हम ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कराए, वाटर कह दो या सॉल्वेंट या वाटर जस्ट मिला दिया है, तो क्या बनेगा प्रोडक्ट? तो बेंजीन के साथ हम लोग जानते हैं, अगर बेंजीन का ब्रोमिनेशन करना हो तो हम लोग ब्रोमीन और FeBr3 से रिएक्शन कराते हैं और रिजल्ट में हमें ब्रोमो बेंजीन मिलता है। फिनॉल में क्या है, OH ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो बेंजीन रिंग एक्टिव हो जाता है, मतलब रिएक्शन आसानी से करेगा। प्योर बेंजीन की तुलना में, केवल बेंजीन की तुलना में फिनॉल वाला बेंजीन रिंग ज्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, एक्टिवेशन इफेक्ट, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी और ये रिंग जल्दी जल्दी आसानी से रिएक्शन करेगा। तो यहां पर ब्रोमीन से रिएक्शन कराने के लिए मेरे को सिर्फ ब्रोमीन चाहिए, ये कैटलिस्ट या रिएक्शन को आगे बढ़ाने के लिए FeBr3 की जरूरत नहीं है, अकेले ब्रोमीन काफी है। तो ब्रोमीन विथ वाटर, ब्रोमीन को पानी के साथ मिलाकर ले लेते हैं, या फिर ब्रोमीन विथ एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड में ब्रोमीन को डिजोल्व कर लेते हैं, इस कैटलिस्ट की जरूरत नहीं होती है। और ब्रोमीन फिनॉल के साथ रिएक्शन करेगा, ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है, साथ ही साथ ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव है। इस वाले ऑर्थो पोजीशन पर, इस वाले ऑर्थो पोजीशन पर, इस वाले पैरा पोजीशन पर, तीनों जगहों पर ब्रोमीन आ जाएगा। रिएक्शन इतना आसानी से होता है, इतना आसानी से होता है, इतना आसानी से होता है, यहां पर भी हो जाएगा, यहां पर भी हो जाएगा, यहां पर भी हो जाएगा और हम कुछ नहीं कर पाएंगे, तीनों जगह एक साथ रिएक्शन होगा। तो क्या क्या ट्विस्ट है इस रिएक्शन के अंदर? एक ट्विस्ट तो ये कि ब्रोमीन के साथ कैटालिस्ट नहीं चाहिए। दूसरा ट्विस्ट ये कि रिएक्शन एक बार नहीं, रिएक्शन तीन तीन बार लगातार हो जाएगा, तुम कंट्रोल नहीं कर पाओगे। व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनता है, ये डिजोल्व नहीं होगा पानी में, तो व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनता है जो अक्सर फिनॉल के लिए टेस्ट का भी काम करता है। फिनॉल को टेस्ट करना है, ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन करा दो, ट्राइब्रोमोफिनॉल 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल बन जाएगा, इसका व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है। सेम वे में दूसरा रिएक्शन, ब्रोमीन के साथ हमने इस बार वाटर नहीं लिया है, कार्बन डाइसल्फाइड लिया है। वाटर थोड़ा पोलर है, पोलर है तो क्या होता है, ब्रोमीन को, ब्रोमीन इस तरह से बॉन्ड टूटेगा, तो बॉन्ड टूटेगा तो कह दो एक ब्रोमीन पर थोड़ा थोड़ा माइनस आ रहा है, एक ब्रोमीन पर थोड़ा थोड़ा प्लस आ रहा है। और वाटर क्या है, पोलर सॉल्वेंट, एक तरफ प्लस दूसरी तरफ माइनस, तो इस बॉन्ड को टूटने में वो मदद करेगा, अपने निगेटिव एंड से पॉजिटिव वाले को स्टेबल बनाएगा, पॉजिटिव एंड से निगेटिव वाले को स्टेबल बनाएगा। ब्रोमीन टूट रहा है, एक तरफ प्लस आ रहा है, एक तरफ माइनस आ रहा है, और वाटर इसमें मदद कर रहा है, राइट? वाटर अपनी पोलैरिटी से ब्रोमीन को टूटने में मदद कर रहा है। कार्बन डाइसल्फाइड नॉन पोलर सॉल्वेंट है, ये ब्रोमीन को टूटने में मदद नहीं करेगा, और साथ ही साथ टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस कर रखा है, तो रिएक्शन थोड़ा और स्लो हो जाएगा और कंट्रोल में हो जाएगा। तो हम लोग देखेंगे कि ब्रोमीन के साथ फिनॉल का रिएक्शन सॉल्वेंट कार्बन डाइसल्फाइड और 0 डिग्री सेल्सियस पर कराओगे तो रिएक्शन सिर्फ एक बार होगा, यहां पर तो तीन तीन बार रिएक्शन हो जा रहा है। ब्रोमीन जो है वो इस वाले पोजीशन पर, इस वाले पोजीशन पर, इस वाले पोजीशन पर, लेकिन इस केस में रिएक्शन सिर्फ एक बार होगा और मेन प्रोडक्ट पैरा पोजीशन पर ब्रोमीन जाएगा। ऑर्थो पर भी थोड़ा बहुत जा सकता है, लेकिन हम जानते हैं कि ऑर्थो पर स्टेरिक हिंडरेंस फेस करना पड़ता है, दो ग्रुप पास पास हो जाएंगे तो उनमें रिपल्सन होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, इस वजह से ऑर्थो पोजीशन पर ब्रोमीन न जा करके पैरा पोजीशन पर ज्यादातर मौकों पर आएगा, तो यही इसका मेन प्रोडक्ट है, एक बार ब्रोमिनेशन और पैरा पोजीशन। ठीक, तो बेंजीन के साथ रिएक्शन कराना था ब्रोमीन का, तो अपने को ब्रोमीन के साथ FeBr3 चाहिए। फिनॉल के साथ रिएक्शन कराना है, ब्रोमीन वाटर इज सफिशियंट और रिएक्शन अनकंट्रोल्ड वे में तीन तीन बार हो जाएगा, तुम रुकना चाहोगे तब भी नहीं रुकेगा, लेकिन अगर तुम चाहो तो रिएक्शन को कंट्रोल कर सकते हो। कैसे कंट्रोल करोगे,
ब्रोमीन लो, कार्बन डाइसल्फाइड लो, 0 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करो, रिएक्शन एक ही बार होगा और वो भी मेनली पैरा पोजिशन। हम ऐसा नहीं कहते कि अर्थ वाला बिल्कुल नहीं बनेगा, थोड़ा बहुत बनेगा, लेकिन मेनली रिएक्शन पैरा पोजिशन। अब मेन ग्रुप लगा है एनिलीन, तो जैसे ऑक्सीजन लोन पेयर डोनेट करके बेंजीन रिंग को एक्टिव कर देता है, वैसे नाइट्रोजन भी लोन पेयर डोनेट करके बेंजीन रिंग को एक्टिव कर देगा। और इनफैक्ट अगर ध्यान से सोचा जाए तो नाइट्रोजन के लोन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी ऑक्सीजन से ज्यादा होनी चाहिए ना, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, नाइट्रोजन कम इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, तो इस वे में नाइट्रोजन कम इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो और आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो इस रिंग की तुलना में ये रिंग और भी ज्यादा एक्टिव है, और ब्रोमीन फिर से 1, 2, 3 तीनों जगहों पर रिएक्शन करेगा, तुम कंट्रोल नहीं कर पाओगे। तो ये रहा NH2 एंड हियर गोज ब्रोमीन, ब्रोमीन एंड ब्रोमीन। ये भी व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट, कलर में भी मेरा थोड़ा सही ना हो, बट ये भी प्रेसिपिटेट बनाता है क्योंकि अब ये डिजोल्व नहीं हो पाता है। ब्रोमीन इन कार्बन डाइसल्फाइड 0 डिग्री सेल्सियस, जैसा हम लोगों ने यहां पर समझदारी लगाई थी, वाटर न लेकर के कार्बन डाइसल्फाइड ले लिया था, इस बार भी वाटर न लेकर के कार्बन डाइसल्फाइड और 0 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करेंगे। लेकिन ये इतनी आसानी से लोन पेयर डोनेट करता है, रिंग को इतना एक्टिवेट कर देता है, कि तुम अब भी रिएक्शन को कंट्रोल नहीं कर पाओगे और रिएक्शन फिर से तीनों पोजिशन पर होगा। तो फिनॉल के सिचुएशन में सॉल्वेंट और टेम्परेचर को बदल करके हम थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं कि अगर ब्रोमीन है, वाटर है, रूम टेम्परेचर है, तो रिएक्शन 1, 2, 3 बार हो जाएगा। लेकिन अगर वाटर में लेकर के CH2 और 0 डिग्री सेल्सियस कर दे तो एक ही बार ब्रोमिनेशन। लेकिन एनिलीन के साथ नाइट्रोजन इतनी आसानी से लोन पेयर डोनेट करता है और इतनी जल्दी जल्दी इतनी अच्छे से रिंग को एक्टिवेट करता है कि तुम वाटर लो चाहे कार्बन डाइसल्फाइड लो, रूम टेम्परेचर रखो चाहे 0 डिग्री सेल्सियस रखो, इन ऑल दी सिचुएशंस यू विल गेट ट्राई ब्रोमो एनिलीन, बच नहीं पाओगे। और ये रिएक्शन पूरा करना है, इस रिएक्शन को हम लोग नीचे ला करके देखते हैं। अच्छा रिएक्शन है, बहुत 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 अच्छा रिएक्शन है। एनिलीन NH2 इधर लिख देते हैं हम, या ऐसे लिख देते हैं H एंड H। इसके पास लोन पेयर है और इसका रिएक्शन हम करा रहे हैं CH3COCl से। ये लोन पेयर लेकर के यहीं पर जाकर के रिएक्शन करेगा, पहले तो ये बॉन्ड उधर जाएगा और फिर इलेक्ट्रॉन वापस आएंगे, तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा, क्लोरीन यहां से निकल करके चला जाएगा। या फिर अगर ये सारी चीजें नहीं समझते हो, ऐसा कुछ होना नहीं है, ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर रखी है तुम्हारे साथ, तो ऐसा नहीं समझने का कोई कारण नहीं है, फिर भी नहीं समझते हो तो ये सब इग्नोर कर दो, बस ये ध्यान रखो इसको यहां बॉन्ड बनाना है, क्लोरीन को निकल करके चले जाना है। तो और जब नाइट्रोजन इधर एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बनाएगा तो इधर से हाइड्रोजन भी बाद में हटाएंगे और फाइनल प्रोडक्ट जो हमारे हाथ में यहां से आने वाला है वो है N के साथ 1H और COCH3। अब इन दोनों में थोड़ा सा कंपैरिजन करेंगे, इसके पास लोन पेयर है, ये बेंजीन रिंग को लोन पेयर डोनेट कर सकता है, इसके पास भी लोन पेयर है, ये भी अपना लोन पेयर बेंजीन रिंग को डोनेट कर सकता है, दोनों ही बेंजीन रिंग को एक्टिवेट करते हैं, लेकिन ये ज्यादा एक्टिवेटिंग है, ये कम एक्टिवेटिंग है। क्यों? क्योंकि इसका लोन पेयर एक तरफ तो बेंजीन रिंग को ये डोनेट करेगा, इसमें भी लोन पेयर बेंजीन रिंग को डोनेट करेगा, लेकिन साथ ही साथ लोन पेयर सी डबल बॉन्ड ओ की तरफ भी जाएगा, और सी डबल बॉन्ड ओ इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप है, वो लोन पेयर को ज्यादातर मौकों पर अपनी तरफ खींच लेगा। तो कह दो 80% इसने लोन पेयर को पकड़ रखा है, 20% लोन पेयर बेंजीन रिंग को मिलेगा, और इसमें क्या है 100% लोन पेयर बेंजीन रिंग को मिलेगा। तो यहां पर लोन पेयर 100% वर्किंग फॉर बेंजीन रिंग, और यहां पर लोन पेयर बस ऐसे ही लिख दे रहे हैं, कोई कैलकुलेशन से किसी ने प्रूफ नहीं किया, बस तुमको थोड़ा सा समझाने के लिए 20%, चलो मान लिया 20%, 30% कुछ ऐसा है, बट लेस देन 50%, 20% वर्किंग फॉर बेंजीन रिंग। तो डेफिनेटली ये रिंग ज्यादा एक्टिव होगा, इसको लोन पेयर अच्छे से मिल रहा है, 100% मिल रहा है तो ज्यादा एक्टिव होगा, इसको लोन पेयर 20% 30% मिल रहा है तो ये कम एक्टिव होगा। और अब इसका रिएक्शन जैसा कि यहां पर क्वेश्चन में दिया हुआ था कि आगे जो है, पहले तो इससे रिएक्शन कराना है,
फिर ब्रोमीन एसिटिक एसिड से रिएक्शन कराना है, फिर वाटर NaOH और बॉयल भी करना है, उसको भी देखते हैं। तो कौन सा लग गया ये रहा, इसका रिएक्शन आगे ब्रोमीन और एसिटिक एसिड से कराना है, तो ब्रोमीन और एसिटिक एसिड से रिएक्शन कराओगे, ब्रोमिनेशन एक बार होगा ना, ये अब रिंग उतना एक्टिव नहीं है जितना कि यहां पर एक्टिव हुआ करता, तो इसमें तीन बार चार बार ब्रोमिनेशन नहीं होगा, सिर्फ एक बार ब्रोमिनेशन होगा, वो भी पैरा पोजिशन पर, क्योंकि आर्थो पोजिशन पर बहुत भीड़ हो जाएगी। तो यहां से जो अगला प्रोडक्ट तुम्हें मिलेगा वो है NHCOCH3 और यहां पर एक ब्रोमीन, और फिर उसके बाद अगले स्टेप में हमने कहा था इसको NaOH के साथ, NaOH है, वाटर है, बॉयल कर रहे हो, तो ये अमाइड ग्रुप का यहीं से हाइड्रोलिसिस होगा, कार्बन पर आएगा प्लस, नाइट्रोजन पर आएगा माइनस, पानी का मॉलिक्यूल भी तोड़ लो तुम, एच एंड ओ एच, एच पर आएगा प्लस, एच पर आएगा माइनस, बॉन्ड यहीं से ब्रेक करो, एच को जोड़ दो इस पर, एच को जोड़ दो इस पर, तो ये हो जाएगा NH2। तो फाइनली मेरे को जगह की कमी, फाइनली मेरे को NH2 और यहां पर ब्रोमीन मिल जाएगा। तो एक बार ब्रोमीन अगर, ठीक, जैसे यहां पर हम चाहते हैं कि एक बार ब्रोमीन लगा दे इस बेंजीन रिंग के साथ, एक ही बार ब्रोमीन लगाना है, तो सीधे सीधे पॉसिबल नहीं है, सीधे सीधे ट्राई करोगे तो तीन तीन बार ब्रोमीन आएगा ही आएगा। हम टेढ़ा थोड़ा ट्राई करेंगे, टेढ़ा क्या ट्राई करेंगे, पहले इस NH2 को इस फंक्शनल ग्रुप में बदल दिया, ये अमीन फंक्शनल ग्रुप है, ये अमाइड फंक्शनल ग्रुप है। अमीन फंक्शनल ग्रुप में लोन पेयर बेंजीन रिंग को 100% एक्टिवेट करेगा, अमाइड फंक्शनल ग्रुप में लोन पेयर बेंजीन रिंग को 20-30% एक्टिवेट करेगा। तो यहाँ बेंजीन रिंग कम एक्टिव है, कम एक्टिव है, तो ब्रोमिनेशन एक ही बार हुआ, एक ही बार ब्रोमिनेशन हुआ, उसके बाद अमाइड ग्रुप का हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस के लिए पानी लेंगे, एसिड या बेस लेंगे, ठीक, हमने बेस चुना है, तो बेस या एसिड कोई दोनों में से कुछ भी ले सकते हो, उसके साथ बॉयल करेंगे, तो ये बॉन्ड यहीं से टूटेगा, एन पर माइनस, कार्बन पर प्लस, पानी का मॉलिक्यूल तोड़ करके प्लस वाला पार्ट माइनस वाले पर, माइनस वाला पार्ट प्लस वाले पर जोड़ दो, रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा और ये NH2 वापस हो जाएगा। तो NH2 के साथ एक ब्रोमीन अगर मेरे को लगाने का मन है तो इतना लंबा वाला रास्ता चुनना पड़ेगा, सीधे सीधे पॉसिबल नहीं है कि पहले NH2 को हमने बदला अमाइड में, फिर अमाइड का ब्रोमिनेशन कराया, एक ही बार ब्रोमिनेशन हुआ, और उसके बाद अमाइड ग्रुप का हाइड्रोलिसिस करा लिया, तो हाइड्रोलिसिस कराने से वापस अमीन फिर से हमें फ्री मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग कार्बोकैटायंस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टेबिलिटी। कुछ कार्बोकैटायंस है, ई मतलब इलेक्ट्रोफाइल, बेंजीन रिंग रहा होगा, ठीक, अगर इसको हम ऐसे समझे, बेंजीन रिंग रहा होगा, इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ना है, इलेक्ट्रोफाइल को यहां जोड़ोगे प्लस यहां आएगा, 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 तो वही कुछ हुआ है, यहां वाला डबल बॉन्ड तोड़ रखा है, इलेक्ट्रोफाइल यहां जोड़ा प्लस यहां आया, यहां वाला डबल बॉन्ड तोड़ रखा है, इलेक्ट्रोफाइल यहां जोड़ा प्लस यहां आया, यहां वाला डबल बॉन्ड तोड़ रखा है, इलेक्ट्रोफाइल यहां जोड़ा प्लस यहां आया, तीनों में स्टेबिलिटी का कंपैरिजन करना है। सो प्लस का चार्ज अभी यहां है, रेजोनेंस करेगा तो यहां आएगा, फिर और रेजोनेंस करेगा तो यहां आएगा, इसमें प्लस का चार्ज यहां है, रेजोनेंस करेगा तो यहां आएगा, और रेजोनेंस करेगा तो यहां आएगा, और इसमें प्लस का चार्ज अभी यहां पर है, रेजोनेंस करने के बाद यहां जाएगा, और रेजोनेंस करेगा तो यहां आएगा। इलेक्ट्रोफाइल तुमने ऑर्थो पोजीशन पर लगाया है, मेटा पोजीशन पर लगाया है, पैरा पोजीशन पर लगाया है, और जब इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो पोजीशन पर लगाया है तो प्लस का चार्ज यहां यहां यहां, मेटा पोजीशन पर लगाया है तो प्लस का चार्ज यहां यहां यहां, और पैरा पोजीशन पर लगाया है तो प्लस का चार्ज यहां यहां यहां। तो जब प्लस का चार्ज यहां पर पहुंचेगा तो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ये लोन पेयर डोनेट करके प्लस के चार्ज को स्टेबल बनाएगा, यहां पहुंचेगा तो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, डोनेट करके प्लस के चार्ज को स्टेबल बनाएगा। लेकिन जब प्लस का चार्ज यहां नहीं पहुंचेगा, इस वाले सिचुएशन में प्लस का चार्ज कभी भी देखो इस कार्बन पर आ ही नहीं रहा है, तो जब प्लस का चार्ज यहां नहीं पहुंचेगा तो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है जरूर, लेकिन जब उससे कोई मदद लेने आएगा तब तो मदद करेगा, तो इस केस में ऑक्सीजन जो है प्लस के चार्ज को मदद नहीं कर पाएगा, तो ये लीस्ट स्टेबल, ये लीस्ट स्टेबल, और ये दोनों की स्टेबिलिटी नियरली एक ही जैसी होती है, फिर भी कंपैरिजन अगर करने को मिल जाए तो क्या कंपैरिजन किया जा सकता है। चलो इसको तुम लोग अपनी तरफ से, ओपी सर ने तुम्हें जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ाया होगा ना, तो जो कॉन्सेप्ट सर ने तुम्हें पढ़ाया है वही कॉन्सेप्ट अप्लाई करो, और अप्लाई करके यहाँ पर लगाओ, हम कुछ और बोल करके जो तुमने सीखा है उसको खराब नहीं कर रहे हैं, क्योंकि दो लोग जैसे एक ही चीज को अगर पढ़ाते हैं तो होता क्या है कि दो लोग दो स्टाइल में पढ़ा करके चले जाते हैं और तुम कंफ्यूज हो जाते हो। तो ये तो पक्का कॉमन है,
हमारा और सर का कॉमन है, और यहाँ पर इन दोनों में पॉजिटिव चार्ज कौन ज्यादा स्टेबल कौन कम स्टेबल खोज लो तब भी ठीक, नहीं खोजोगे तब भी कोई परेशानी होने वाली नहीं है, ऐसा कोई क्वेश्चन तुम्हें कहीं मिलने वाला भी नहीं है। ज्यादा से ज्यादा यही होता है कि इन तीनों में लीस्ट स्टेबल क्या है, मोस्ट ऑफ द टाइम यही तुमसे पूछा जाता है। तो जिसमें पॉजिटिव चार्ज को ऑक्सीजन की मदद नहीं मिलेगी वो लीस्ट स्टेबल, जिसमें पॉजिटिव चार्ज को ऑक्सीजन की मदद मिलेगी वो ज्यादा ज्यादा स्टेबल। तो इसमें पॉजिटिव चार्ज यहाँ से यहाँ पहुंचेगा तो ऑक्सीजन उसको लोन पेयर से मदद करेगा, इसमें पॉजिटिव चार्ज यहाँ से यहाँ फिर जब यहाँ आएगा तो ऑक्सीजन लोन पेयर से मदद करेगा, ये ज्यादा स्टेबल ये ज्यादा स्टेबल ये कम स्टेबल। ओके मूव अहेड, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी फिर से तीनों में चेक करनी है। पॉजिटिव चार्ज देखो यहां से रेजोनेंस करेगा तो यहाँ, यहां से रेजोनेंस करेगा तो यहाँ, एक एक कार्बन छोड़ करके आगे बढ़ते हैं। पॉजिटिव चार्ज जब यहाँ था तो एक कार्बन छोड़कर यहाँ आएगा, फिर एक कार्बन छोड़कर के यहाँ आएगा, फिर एक कार्बन छोड़कर के यहाँ जाएगा, और जब पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा तो ऑक्सीजन अपने लोन पेयर से मदद करेगा मतलब काफी स्टेबल होगा। इसमें पॉजिटिव चार्ज यहाँ से एक कार्बन छोड़ दो तो यहाँ पर, फिर एक कार्बन छोड़ दो तो यहाँ पर, फिर एक कार्बन छोड़ दो तो यहाँ पर, मतलब यहाँ कभी नहीं आएगा और ऑक्सीजन लोन पेयर से उसकी कोई मदद नहीं कर पाएगा। मेटापोजिशन पर जब कोई ग्रुप लगा रहता है तो वो रेजोनेंस की मदद से पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज को हेल्प नहीं कर सकता। मेटापोजिशन पर अगर कोई ग्रुप लगा हुआ है तो रेजोनेंस की मदद से पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज की मदद नहीं कर सकता, और ये मेटापोजिशन पर इसका रिलेटिव तो मदद नहीं कर पाएगा। तुम चाहो तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाकर देखो, पॉजिटिव चार्ज यहाँ से यहाँ आया फिर यहाँ आया फिर यहाँ आया, इसके पास आया ही नहीं तो ये मदद कैसे करेगा। इसमें पॉजिटिव चार्ज यहाँ से एक कार्बन छोड़ दो तो यहाँ, फिर यहाँ से एक कार्बन छोड़ दो तो यहाँ, यहाँ से एक कार्बन छोड़ दो तो यहाँ, और जब यहाँ पर आएगा तो नाइट्रो ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज को परेशान करेगा। तो ये परेशान कर रहा है, ये मदद कर रहा है, ठीक, नाइट्रो ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है परेशान कर रहा है, मिथॉक्सी ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है मदद कर रहा है, तो मदद कर रहा है तो मोर स्टेबल, ठीक, परेशान कर रहा है तो लीस्ट स्टेबल, और यहां तो पॉजिटिव चार्ज इसके पास आया ही नहीं, ना इसने कुछ परेशान किया ना आसान किया, तो ये बीच में लटका रहेगा, ये सबसे ज्यादा स्टेबल ये सबसे कम स्टेबल और ये बीच में, ठीक, हिंदी में ही लिख देते हैं बीच में, इसको तुम सजा देना। कमान, ओ कमान भी खत्म हो गया, बस चलो ठीक, दो छोटे छोटे प्यारे प्यारे क्वेश्चन थे। निगेटिव चार्ज के साथ कुछ वैसा ही खेल हम लोगों को करना है, निगेटिव चार्ज का रेजोनेंस कराओगे इलेक्ट्रॉन डोनेट करोगे तो भाई एक कार्बन छोड़ दो तो अगले कार्बन पर नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा, फिर एक कार्बन छोड़ दो तो अगले कार्बन पर नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा, फिर एक कार्बन छोड़ दो तो अगले कार्बन पर नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा, और जब यहाँ आएगा तो नाइट्रो ग्रुप कैसा है, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, नेगेटिव चार्ज को स्टेबल बनाएगा। इसमें देखोगे नेगेटिव चार्ज यहाँ है, एक कार्बन को छोड़ करके यहाँ आएगा, फिर एक कार्बन को छोड़ करके यहाँ आएगा, फिर एक कार्बन को छोड़ करके यहाँ आएगा, कभी नाइट्रो ग्रुप के पास नेगेटिव चार्ज पहुंचेगा ही नहीं, तो नाइट्रो ग्रुप के पास नेगेटिव चार्ज नहीं पहुंचेगा तो नाइट्रो ग्रुप रेजोनेंस के जरिए उसकी मदद नहीं कर सकता। और इस वाले सिचुएशन में नेगेटिव चार्ज यहां से यहां आएगा, फिर यहां आएगा, फिर यहां आएगा, और मिथॉक्सी ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नेगेटिव चार्ज को परेशान करता है, तो ये हो गया लीस्ट स्टेबल और ये हो गया मोस्ट स्टेबल। वैसे ये देने का मन नहीं था लेकिन अब शीट में पहले से लिखा था तो हमने कहा इसको कौन मिटाएगा तुम्हारे लिए, ये भी तुम्हें जाने दिया तो डिस्कशन भी कर दिया, हालांकि ये चीजें तुम्हें पहले से आती है। फिर क्या है भाई, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग, इसको तुम अपने से करोगे, बेसिक स्ट्रेंथ ये भी तुम अपने से करोगे, इससे हम बस ऐसे सीट में पड़ा था चला गया तुम्हारे पास, ठीक, हम बीच में से हटा ना पाए। कंप्लीट फॉलोइंग रिएक्शन, यहां पर कुछ बड़े ही मजेदार रिएक्शन है, इनको पूरा करना है, CH3Cl और AlCl3, ठीक, हम लोग जानते हैं ये कौन सा रिएक्शन है, फ्रीडलक्राफ्ट एल्काइलेशन, क्लोरीन पर माइनस कार्बन पर प्लस, और ये कार्बन इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा, बेंजीन रिंग के साथ जाकर कनेक्ट हो जाएगा और ये प्रोडक्ट बनेगा। फिर उसके बाद दूसरा रिएक्शन CH2Cl2, दो दो बार इसमें क्लोरीन है, इसमें एक ही बार क्लोरीन था, इसमें दो दो बार क्लोरीन है, तो होगा क्या, CH2 को बीच में लगा दो, एक तरफ एक बेंजीन रिंग लगाओ दूसरी तरफ दूसरा बेंजीन रिंग लगाओ, तो ये दो क्लोरीन है तो दो बार बेंजीन रिंग से रिएक्शन करेगा, वही रिएक्शन जो ऊपर हो रहा था फ्रीडलक्राफ्ट एल्काइलेशन, वही रिएक्शन डबल डबल टाइम हो रहा है। फिर इस एग्जांपल में तीन बार क्लोरीन और AlCl3 है, तो बेंजीन रिंग के साथ एक बार रिएक्शन, C के साथ एक H, दूसरी बार बेंजीन रिंग के साथ रिएक्शन और एक तीसरी बार बेंजीन रिंग के साथ रिएक्शन, रिएक्शन यहां पर रुकेगा।
फिर चौथे क्वेश्चन में चार बार क्लोरीन है, चार बार क्लोरीन है तो कार्बन के साथ एक बार बेंजीन रिंग, दूसरी बार बेंजीन रिंग, तीसरी बार बेंजीन रिंग। अब तुमको लगेगा कि चौथी बार बेंजीन रिंग पे जोड़ ही देना चाहिए, तुम्हें अच्छा लग रहा है, सही लग रहा है, तुम सही सोच रहे हो, लेकिन है क्या, कार्बन एटम बीच में छोटा सा एटम है, उसके चारों तरफ इतनी भीड़ नहीं लगाई जा सकती। तीन बार बेंजीन रिंग लगाने के बाद चौथा बेंजीन रिंग लगाने की जगह नहीं बचती है, इसीलिए चौथा क्लोरीन इसी तरह से पड़ा रहेगा। तो बहुत अच्छा पैटर्न है, CH3Cl के साथ मिथाइल ग्रुप, CH2Cl2 के साथ इधर बेंजीन उधर बेंजीन, CHCl3 के साथ तीन बेंजीन, और CCl4 के साथ तुम्हें लगा होगा कि चार बार बेंजीन रिंग आ जाएगा, लेकिन चार बार नहीं, सिर्फ तीन बार, और बात खत्म भीड़ की वजह से। इस क्वेश्चन में आ जाओ भाई, AlCl3 क्या करेगा, बॉन्ड को ब्रेक करके क्लोरीन को बाहर निकालने में मदद करेगा, तो क्लोरीन पर माइनस, कार्बन पर प्लस, ये इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा और घूम करके बेंजीन रिंग से वापस रिएक्शन करेगा। तो 1, 2, 3, 4, 5 ये 5 मेंबर रिंग इधर ऐसे बन जाएगा, ये बेंजीन रिंग हुआ और फिर इधर से ये, ठीक, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 5 मेंबर रिंग और यहीं पर रिएक्शन हुआ। ये भी फ्रीडलक्राफ्ट एल्काइलेशन का एग्जांपल है जिसमें साइक्लाइजेशन हो जा रहा है, एल्किल ग्रुप फ्री नहीं है बल्कि रिंग से एक तरफ कनेक्टेड है, तो वापस घूम करके रिएक्शन करेगा तो साइक्लाइजेशन हो जाएगा और कुछ इस तरह का प्रोडक्ट जैसा यहाँ पर बनाया है हमने वैसा प्रोडक्ट तुम्हें देखने को मिलेगा। कंप्लीट फॉलोइंग रिएक्शंस, इन रिएक्शंस को पूरा करना है। रिएक्शंस में करना क्या है भाई, ओके, CH2OH है, बॉन्ड यहीं से टूटना है आगे चल करके। हम लोग जानते हैं कि अल्कोहल में OH ग्रुप कभी सीधा नहीं निकलता है, पहले OH ग्रुप खराब लिविंग ग्रुप होता है, तो इसको H प्लस से रिएक्शन करने का मौका दो, ये हो जाएगा R OH2 प्लस। अब ये यहां से बॉन्ड टूटेगा, ये गुड लिविंग ग्रुप, गुड लिविंग ग्रुप जब निकलेगा तो एल्किल ग्रुप पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और ये इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा, और इलेक्ट्रोफाइल बन करके बेंजीन रिंग से जब ये रिएक्शन करेगा तो बेंजीन रिंग से रिएक्शन करेगा तो बेंजीन के साथ एल्किल ग्रुप को हमने जोड़ दिया और ये रिएक्शन पूरा हो गया। तो कुछ वैसा ही कार्यक्रम यहां पर कर, तो CH3CH2 इसी पर प्लस आना है और यही कार्बन जाकर के बेंजीन रिंग से रिएक्शन करेगा, एंड नाउ यू हैव इथाइल बेंजीन। ठीक, रिएक्शन बी में हाइड्रोजन आयन एल्कीन के साथ जोड़ोगे, यहां पर एच जोड़ोगे, यहां पर प्लस आएगा, तो इसके साथ जब तुम एच प्लस जोड़ दोगे तो तुम्हें ये कार्बोकैटायन मिलेगा। ठीक, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और ये बेंजीन रिंग के साथ चिपक जाएगा और तुम्हें ये मॉलिक्यूल मिलने को जा रहा है। ठीक, इसमें क्या है, एच प्लस जोड़ दो, यहां एच जोड़ोगे यहां प्लस आएगा, तो एच प्लस जोड़ने के बाद 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 यहां पर तुम नेच जोड़ा, छुपा दिया हमने पीछे, यहां पर प्लस आया और ये बेंजीन रिंग से रिएक्शन करेगा तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 मेंबर रिंग बन जाएगा। ठीक है, ऐसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये 6 आइटम्स मिलकर से साइक्लाइज हो गए। पहला वाला 6 नंबर का आइटम ये रहा और 6 नंबर का कनेक्शन 1 नंबर से बनेगा, तो ये 6 नंबर है तो 1 नंबर हुआ, ये 2 नंबर हुआ, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, ये 5 नंबर, ये है ना, 6, 5, 4, 3, 2, 1 6, 5, 4, 3, 2, 1 और एक नंबर के साथ इधर एक एक्स्ट्रा मिथाइल ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप को लगा दो, सब फालतू नंबरिंग हटाओ, यहां पर ये मिथाइल ग्रुप तुमने लगा दिया तो ये रिएक्शन पूरा हुआ। इस रिएक्शन में OH ग्रुप लिविंग ग्रुप अच्छा है नहीं, लेकिन हाइड्रोजन आयन की मदद से अच्छा लिविंग ग्रुप बनकर के निकल जाएगा, जब निकलेगा तो एग्जैक्टली इसी कार्बन पर प्लस का चार्ज आएगा। ठीक, अभी डेल्टा प्लस लिख देते हैं फिलहाल, और फिर यही कार्बन इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा और बेंजीन रिंग के साथ कनेक्शन करेगा, और कनेक्शन करेगा तो बेंजीन रिंग के साथ ये कुछ ऐसा लिख दे, चलेगा ना, चलेगा, यही प्रोडक्ट बनना है। और कुछ तो भी खत्म हो गया, अब क्या करें, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन CH3COCl स्ट्रक्चर लिख दे हम इसका तुम्हारे लिए, RCOCl कुछ इसी तरह का सिचुएशन है, इसी बॉन्ड को आगे चल करके टूटना है, AlCl3 क्लोरीन को ले जाएगा, कार्बन पर प्लस आएगा और यही कार्बन इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा, बेंजीन रिंग के साथ इसको चिपका दो, तो CO जो भी एल्किल ग्रुप रहेगा यहां पर CH3 है, CH3 एसिटिक एनहाइड्राइड स्ट्रक्चर इसका लिख दिया जाए,
CH3COOCOCH3 बॉन्ड यहीं से टूटना है, ऑक्सीजन पर माइनस, कार्बन पर प्लस और AlCl3 बॉन्ड पर टूटने में मदद करेगा। कार्बन पर प्लस, यह इलेक्ट्रोफाइल बनेगा और बेंजीन रिंग के साथ चिपका दो इसको CO CH3 COOH एंड H3PO4 एसिटिक एसिड स्ट्रक्चर बना लो। CH3COOH यहीं से बॉन्ड टूटना है, H3PO4H+ दे करके इसको अच्छे लिविंग ग्रुप में बदल देगा और ये यहां से निकल करके आसानी से भाग सकता है, तुम ऐसा मान लो। और यहां पर माइनस, यहां पर प्लस, और यही जाकर के बेंजीन रिंग में फिर से चिपक जाएगा और फिर से यही वाला प्रोडक्ट। तो ये दो तीन रिएक्शंस ये कहीं जैसे हैं, बस यहां पर एसिल क्लोराइड लिया था, यहां एनहाइड्राइड लिया था, यहां कार्बोक्सिलिक एसिड लिया था, बाकी तीनों में सेम प्रोडक्ट आ रहा है। इसके अलावा ये वाला क्वेश्चन, ये भी एनहाइड्राइड है, बॉन्ड को यहीं से ब्रेक करो, ऑक्सीजन पर आएगा माइनस, कार्बन पर आएगा प्लस, यही कार्बन इलेक्ट्रोफाइल की तरह से बेंजीन रिंग में चिपक जाएगा। तो CO के बाद एक कार्बन, दो कार्बन, मतलब CH2 एंड CH2, फिर C डबल बॉन्ड O, तो C डबल बॉन्ड O, फिर इस O पर माइनस आना है, ऊपर माइनस आएगा तो इसको एच प्लस मिल जाएगा, कहां से मिल जाएगा, बेंजीन रिंग से भी, तो एक हाइड्रोजन हटाओगे ना तभी तो इस ग्रुप को लगाओगे, चलो मान लिया वही वाला हाइड्रोजन इसे दे दिया, तो फाइनली ये प्रोडक्ट तुम्हें मिलेगा। फिर जिंक अमलगम और HCl, ये क्या करता है, कीटोन ग्रुप का रिडक्शन करके इसको CH2 में बदल देगा। तो जिंक अमलगम और HCl से रिएक्शन कराओगे तो नेक्स्ट स्टेप में तुम्हें इसकी प्राप्ति होगी CH2, ये CO से CH2 हो गया, फिर आगे की कहानी वैसे ही तुम लिख डालो। फिर SOCl2 क्या करता है, इस OH को हटाकर यहां पर एक क्लोरीन लगा देगा, तो SOCl2 से रिएक्शन कराओगे तो OH के बदले में एक क्लोरीन लिख दो, तो CH2CH2CH2 एंड COCl। फिर उसके बाद क्या है, AlCl3 है, AlCl3 क्या करेगा, इस क्लोरीन को निकलने में मदद करेगा, क्लोरीन पर माइनस, कार्बन पर प्लस, ये इलेक्ट्रोफाइल है, घूम फिर करके फिर बेंजीन रिंग से रिएक्शन करेगा, तो इस कार्बन को कह दो 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, एक 6 मेंबर्ड रिंग। तो यहां से AlCl3 के साथ रिएक्शन कराने के बाद अब हम लोगों के हाथ में 6 मेंबर्ड रिंग ऐसे तुम बना दो, ये कार्बन नंबर 6, 5, 4, 3, 2, 1, और 6 का कनेक्शन 1 से हो रहा है, तो 6 का कनेक्शन 1 से हो गया और एक नंबर पर C डबल बॉन्ड O है, तो यहां पर C डबल बॉन्ड O लिख दो, बात पूरी हो जाती है। तो थोड़ा सा अच्छा रिएक्शन था ना, कई स्टेप्स थे, शुरू शुरू में जब नया नया रिएक्शन ये पहली बार तुम्हारे सामने आएगा तो एक बार तुम देख करके घबरा जाओगे कि क्या करना है, लेकिन एक बार ऐसा रिएक्शन एक्सपीरियंस कर लिया तो फिर घबराओगे नहीं। तो रेगुलर क्लासेज में जब हम लोगों ने एरिल हैलाइड पढ़ा था, फिनॉल वगैरह पढ़ा था, तो इस तरह के रिएक्शंस को डिस्कस हम नहीं कर पाए थे, तो कुछ चीजें थी वहां पर हम डिस्कस नहीं कर पा रहे थे क्योंकि हमारी आदत है कि बीच में क्रम तोड़ करके इधर उधर की चीजों को बीच में लाते ही नहीं, जिस टॉपिक पर रहते हैं हम कोशिश करते हैं कि पहले वो टॉपिक के साथ जस्टिफिकेशन किया जाए, उसको समझा दे, बीच में ज्यादा इधर उधर की चीजें लाने से टॉपिक बहुत बड़ा समझ में आता है, बहुत डिफिकल्ट समझ में आता है, तो जो बहुत अच्छे बच्चे रहते हैं वो तो कर ले जाते हैं, लेकिन जो बच्चे थोड़ा मेहनत कम करना चाहते हैं वो परेशान होते हैं। तो हम दोनों का ध्यान रखते हैं कि तुम एक बार में कुछ चीज पहले कर ले जाओ, फिर फालतू चीजें अलग से डिस्कस कर लेंगे, तो हालांकि फालतू चीज नहीं है लेकिन बीच में जैसे फिनॉल विनॉल के बीच में इसको घुसा दो तो फिनॉल का चैप्टर झूठ मूठ का लंबा खिंच जाता है, इसीलिए ऐसी चीजों को हमने वहां अवॉइड किया था और एक अलग से सीट दे करके डिस्कशन कर लिया। तो ये बढ़िया रिएक्शन है ना, एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन हुआ, बॉन्ड टूटा, कार्बन पर प्लस आया, इलेक्ट्रोफाइल की तरह से बेंजीन रिंग में चिपक गया, यहां पर आ गया। जिंक अमलगम और HCl क्लेमेंसन रिडक्शन वाला रिएजेंट है, सी डबल बॉन्ड ओ को रिड्यूस करके CH2 बना देगा, SOCl2 इस OH को क्लोरीन से डिस्प्लेस कर देगा, COCl हो जाएगा, AlCl3 क्लोरीन को निकालेगा तो कार्बन पर प्लस आएगा और कार्बन पर प्लस आने के बाद, चलो यार कार्बन पर प्लस आने के बाद ये बेंजीन रिंग से घूम फिर करके रिएक्शन करेगा और ये प्रोडक्ट हमारे हाथ में आया। ओह अभी कितना और है, अंतिम क्वेश्चन, CO प्लस HCl जो है C ट्रिपल बॉन्ड O कार्बन पर माइनस, सॉरी ऑक्सीजन पर प्लस, कार्बन पर माइनस, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर इसका बनाते हैं, ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा, न्यूट्रल हो जाएगा, कुछ ऐसा मान सकते हो, लेकिन फिलहाल अभी वो सब नहीं करते, इसमें HCl जोड़ दो,
HCl जोड़ोगे तो H पर प्लस आएगा, क्लोरीन पर माइनस आएगा, H प्लस को यहीं पर जोड़ोगे तुम तो ये हो जाएगा HC ट्रिपल बॉन्ड O, O पर प्लस, फिर ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो कार्बन पर प्लस आएगा, कार्बन पर प्लस आएगा तो अभी इलेक्ट्रोफाइल की तरह से बेंजीन रिंग से रिएक्शन करेगा और तुम देखोगे कि बेंजीन रिंग के साथ एल्डिहाइड ग्रुप, ठीक, गटरमैन कोच रिएक्शन इसको कहते हैं, गटरमैन कोच रिएक्शन। ये कोच का स्पेलिंग में भी गलत हो थोड़ा सा, तुम लोग देख लेना नेट वगैरह पे खोज लेना, अदरवाइज एग्जाम में आएगा तो देख ही लोगे कोच का स्पेलिंग क्या होता है, स्पेलिंग में थोड़ा हाथ मेरा तंग रहता है, बार बार भूल जाते हैं। तो गटरमैन कोच रिएक्शन, कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl, कार्बन पर माइनस ऑक्सीजन पर प्लस, H को इसके साथ जोड़ दिया तो HCO, HC ट्रिपल बॉन्ड O पर प्लस, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन खींचा, कार्बन पर प्लस आ गया और ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह से बेंजीन रिंग के साथ कनेक्ट करके ये बना देंगे HCN और HCl और ZnCl2। HCN क्या है, HC ट्रिपल बॉन्ड एंड नाइट्रोजन पर लोन पेयर, HCl में क्या है, H पर प्लस है, Cl पर माइनस है, अपना लोन पेयर इसको देगा, इलेक्ट्रॉन उधर भेजो, चलो यार चल क्यों नहीं रहा है, H को इसके साथ जोड़ दोगे, C ट्रिपल बॉन्ड N H नाइट्रोजन पर प्लस, जब नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो अगले स्टेप में कार्बन पर प्लस आ जाएगा, कार्बन पर प्लस आएगा तो अब ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह से बेंजीन रिंग के साथ रिएक्शन करेगा, बेंजीन रिंग के साथ रिएक्शन करेगा तो प्रोडक्ट हमारे हाथ में क्या आया, बेंजीन के साथ हमने इलेक्ट्रोफाइल को चिपका दिया, यही है ना इलेक्ट्रोफाइल, कार्बन को बेंजीन रिंग से चिपका दिया, यहां से हाइड्रोजन को हटा दोगे। इसके बाद यहीं पर रिएक्शन रोकते नहीं है, इसमें पानी वगैरह मिलाते हैं, पानी और एसिडिक मीडियम कर देंगे, ठीक, लिखा होगा हमने ऊपर H3O+, मतलब पानी है और पानी में कोई एसिड घोल रखा है जिसका मतलब H3O+ लिख दिया है। तो जब पानी से रिएक्शन कराओगे तो क्या होगा, C डबल बॉन्ड एंड टूटेगा, नाइट्रोजन पर दो बार माइनस, कार्बन पर दो बार प्लस, पानी का मॉलिक्यूल तोड़ दो, पानी के मॉलिक्यूल को तोड़ोगे तो क्या होगा, हाइड्रोजन पर प्लस ऑक्सीजन पर दो बार माइनस, ठीक, फाइनली दोनों तरफ से पूरी तरह से तोड़ दो मन में अपने, H प्लस को कहां ले जाओगे, इसके साथ, H प्लस को कहां ले जाओगे, इसके साथ, और ऑक्सीजन को कहां लाओगे, इसके साथ, ठीक, हम मैकेनिज्म नहीं लिख रहे हैं, बस रफ वे में केवल प्लस माइनस की मदद से किस पर प्लस आ रहा है किस पर माइनस आ रहा है उसकी मदद से देखो इसको सॉल्व किया कर लिया, मैकेनिज्म स्टेप बाय स्टेप लिखना चाहो तो तुम्हें कोई नहीं रोकेगा, खूब इतमान से लिखो, लेकिन पहले पता होना चाहिए पहुंचना कहाँ है, जब तुम्हें पता होता है कि कहाँ पहुंचना है तो मैकेनिज्म लिखना बहुत बार आसान हो जाता है। अब मेरे को पक्का पता है कि यहां से यहां पहुंचना है, वैसे भी हमने कई बार क्लास में हिंट किया है कि जब भी सी डबल बॉन्ड एन होता है हाइड्रोलिसिस करोगे तो सी डबल बॉन्ड ओ हो जाएगा, तो ये रिएक्शन भी एल्डिहाइड ग्रुप बनाने में मदद करता है। तो HCN HCl के साथ रिएक्शन कराओगे ZnCl2 के प्रेजेंस में तो सबसे पहले C डबल बॉन्ड N बनता है और जब हाइड्रोलिसिस करोगे तो फाइनली ये जो है C डबल बॉन्ड O हो जाता है, ठीक। तो इस वे में ये जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन वाली सीट थी वो हमारी तरफ से पूरी खत्म होती, हमने सीट तो मैं दिया, सीट का पूरा पूरा डिस्कशन किया और पूरा का पूरा सीट तुम्हारे लिए JRS के YouTube वाले चैनल पर हमने चिपका रखा है, तुम यहाँ पर इत्मीनान से देखो और इत्मीनान से देख करके इसको अपनी गति से सीखो, लेकिन सीखो ना, छोड़ मत देना। बाकी बस इतना ही, आज का क्लास समाप्त होता है, फिर मिलेंगे दूसरे टॉपिक पर दूसरे क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।